हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में मैं देखने वाला हूं, जैसा कि बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि 92 रिपीट हो रहा है, 92 रिपीट हो रहा है इस बार के T20 वर्ल्ड कप में, वैसा ही कुछ सीन पाकिस्तान के साथ हो रहा है जैसा कि हो चुका है इमरान खान की कप्तानी में। सो देखेंगे हम पाकिस्तान वर्ल्ड कप 1992 एंड 2022 सेम टू सेम कैसे हैं, किस तरीके से हैं, उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं हम। कुछ स्पेशल, कुछ अलग हटके वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है देखने में। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सन 92 और सन 2022 के वर्ल्ड कप में कौन सी 15 चीज़ें ऐसी पाकिस्तान के साथ बहुत सारी सिमिलैरिटीज। नंबर 1, 1992 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर खेला गया, जबकि सन 2022 का वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर खेला जा रहा है। नंबर 1 सिमिलर पॉइंट, 1992 के वर्ल्ड कप में भी फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया थी, जबकि सन 2022 के वर्ल्ड कप में भी फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया को करार दिया गया, वो बाहर हो गई। नंबर 3, 1992 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, जबकि सन 2022 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से आउट हो चुकी है। नंबर 4, 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम में 4 बेहतरीन फास्ट बॉलर मौजूद थे, और अब भी सन 2022 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास वकार, यूनस, वसीम अकरम, आकब जुवेद और इमरान खान मौजूद थे। पाकिस्तानी टीम में शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारसफ और मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल हैं। नंबर 5, 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के फास्ट बॉलर इमरान खान को ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर बॉलिंग कराने का तजर्बा था, और सन 2022 में पाकिस्तानी टीम के हारसफ को ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर बॉलिंग कराने का तजर्बा हासिल है। नंबर 6, 1992 की टीम को भी पाकिस्तान के साबिक प्लेयर ने बोला था कि ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, और अब भी सन 2022 की टीम को भी साबिक प्लेयर ने बोला है कि ये भी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम नहीं है, ये पहले ही बाहर हो जाएगी। नंबर 7, 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी टीम के वकार, यूनस, फास्ट बॉलर अनफिट थे। सन 2022 में भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट नहीं है। नंबर 8, 1992 की पाकिस्तानी टीम के ओपनर बैट्समैन सईद अनवर मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे, जिसकी वजह से वर्ल्ड कप से ड्रॉप हो गए, जबकि सन 2022 की वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के फखर जमान मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, जिसकी वजह से काफी कुछ सिमिलर सा है। नंबर 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इंडिया से हार गया था, जबकि सन 2022 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान अपना मैच इंडिया से हार चुका है। नंबर 10, 1992 के वर्ल्ड कप में भी जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारा तो कौम ने पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें छोड़ दी थी। अब जिम्बाब्वे से 2022 में पाकिस्तान टीम जब जिम्बाब्वे से हारी तो पाकिस्तानी कौम ने बोला कि ये टीम कभी नहीं जीत सकती, इस पर उम्मीद ना रखें। नंबर 11, 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के पास लास्ट चांस था, अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार जाता तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता था, और अब भी सन 2022 में पाकिस्तान के पास लास्ट चांस साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हार जाता तो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना था। वर्ल्ड वाला 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए जीबो गरीब केमिस्ट्री की ज़रूरत थी, और ये केमिस्ट्री आधी पाकिस्तान और आधी दूसरी टीमों के हाथों में मौजूद थी। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, जो कि अभी तक किसी टीम से भी नहीं हारी थी, और ऑस्ट्रेलिया इन फॉर्म वेस्ट इंडीज़ को हरा दे, ही पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुँच सकता है, वरना पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। लेकिन ये सब हो गया और पाकिस्तान 1992 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया, और इस वापसी हुई 2022 के वर्ल्ड कप ऐसे ही हुआ था पहले के साथ, ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए अजीब और गरीब केमिस्ट्री की ज़रूरत थी, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। पाकिस्तान अपना मैच साउथ अफ्रीका से जीत गए, जो कि अभी तक इस वर्ल्ड कप में किसी से भी नहीं हारी थी, और फिर साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार गए, जो कि इस वर्ल्ड कप की सबसे छोटी टीम है। अब ही पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, वरना पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। ऐसा हो गया, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से भी जीत गया, और साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से भी हार गया, और साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। नंबर 13, 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ था, और अब भी के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान सेमीफाइनल तक सेम के साथ है। नंबर 14, 1992 के वर्ल्ड कप में भी एक नौजवान बैट्समैन इंजमाम लक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारहाना बैटिंग करते हुए उनको आउट ऑफ क्लास कर दी, और अब भी 2022 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के नौजवान बैट्समैन मोहम्मद हारिस ने जारहाना बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका को आउट ऑफ क्लास कर दिया, एक नंबर बैट्समैन हारिस। नंबर 15, 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था, जो कि किसी से भी नहीं हारी थी, और सन 2022 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा कर यह साबित किया कि वो किसी से नहीं हारी, लेकिन पाकिस्तान उसे हरा सकता है।
दोस्तों ये थी 15 ऐसी चीज़ें जो 1992 के वर्ल्ड कप में भी हुई और साल 2022 के वर्ल्ड कप में भी हुई, लेकिन 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था। अब उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप में भी फतह हासिल करेगा। जीता तो था, अब क्या होगा। In this video, you will see Imran Khan celebrating Pakistan cricket team 1992. इनके कंधे में चोट लगी हुई है क्या? उस टाइम चोट थी। इमरान खान की। अल्लाहु अल्लाहु। ओके, गाने पे डांस हो रहा है, कप उठाया जा रहा है भाई। इमरान खान ने जिताया था। वाह जी वाह। ये डांस इस वीडियो को देखने के बाद तो लग रहा है कि भाई मोस्टली सारी चीज़ें जो है वो जो कंडीशंस हैं वो जो सारी चीज़ें हैं वो 92 वर्ल्ड कप की याद दिला रही हैं। कहते हैं, सुना है कि इतिहास जो है ख़ुद को कभी ना कभी दोहराता ज़रूर है। इतिहास लौट कर ज़रूर आता है प्रेजेंट में, कभी ना कभी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि ये चीज़ जो हो चुकी है वो दोबारा से हुई है। ऐसा फिल्मों में भी सुना है मैंने, ऐसा सुना है, मतलब जो सुनने को मिला है वो बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपने भी शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा। तो क्या ये 1992 की हिस्ट्री रिपीट हो रही है? क्या ये दोबारा से एक हिस्ट्री बनने जा रही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप उठाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। तब उठाया था, इमरान खान की कैप्टेंसी में उठाया था, हारते हारते उठाया था, बाहर निकलते निकलते उठाया था। अब भी वही कंडीशंस हैं, वही सारी चीज़ें हैं, वैसा ही कुछ कुदरत का निज़ाम जो है वो आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही जा रहा है। तो वैसी कुछ कंडीशंस बन रही हैं। इंडिया से हारा था, साउथ अफ्रीका से जो कंडीशन थी उसको हराना था, जिम्बाब्वे से हारने के बाद बाहर होना था, तो वही सारी चीज़ें, छोटी मोटी टीमों से हार कर बड़ी बड़ी टीमों को हराना था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही देखने को मिली। शाहीन अनफिट, वो फ़खर बाहर टीम से, तो वो सारी चीज़ें जो हैं मेरे माइंड में आ रही है कि यार वो जो इस वीडियो में बताया गया है वो काफ़ी हद तक सिमिलर था, काफ़ी हद तक चीज़ें वैसी थी। और एंड में हमने सेलिब्रेशन देखा, इमरान खान ने जब जीतने के बाद कप को सेलिब्रेट किया, उनके कंधे पर कुछ चोट थी, टी शर्ट वी शर्ट उतार कर अपने डांस कर रहे थे, अल्लाहु अल्लाहु। तो वैसा कुछ सीन था यार 1992 में। जब ये सब कुछ हो चुका है तो क्या रिपीट होगा या नहीं होगा? लेकिन मैं हैरान हूँ कि 1992 की, मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि कोई हिस्ट्री रिपीट हुई हो मेरे सामने, ऐसा कुछ हुआ हो। तो ये मुझे लग रहा है कि हाँ सच में यार काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि वही चीज़ें लौट फेर कर हो रही हैं। देखते हैं फाइनल में क्या होता है, क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या हिस्ट्री रिपीट होगी या नहीं होगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुदरत का निज़ाम, कुदरत का कानून। चलिए फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।